योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लगातार दूसरी बार यूपी में योगी राज, मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 18 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों को मिला मौका। केशव प्रसाद मौर्य बने उप मुख्यमंत्री, दूसरी बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी, सिराथू से हार के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। ब्रजेश पाठक बने योगी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम, लखनऊ कैंट से विधायक हैं, पिछली सरकार में कानून मंत्री की अहम जिम्मेदारी मिली थी। जितिन प्रसाद ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ, चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, माने जाते हैं यूपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा। योगी मंत्रिमंडल में एक मुसलमान को भी मिला मौका, मोहसिन रजा की जगह अब उनकी बार दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री बने। योगी मंत्रिमंडल में सहयोगियों को भी मिला मौका, अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल बने मंत्री, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी मौका मिला। धन्यवाद देता हूँ कि माने प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे। योगी सरकार की शपथ ग्रहण में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां शिरकत की। योगी के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर प्रमोद सावंत, बसवराज बोम्बोई तक यहां नजर आए। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी मंत्रिमंडल ने ली शपथ, लोगों से खचाखच भरा रहा कार्यक्रम स्थल। शपथ ग्रहण के फौरन बाद एक्शन में योगी सरकार 2, मुख्यमंत्री ने ली मंत्रिमंडल की बैठक। योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही पूरे राज्य में जश्न का माहौल, गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में दिवाली मनाई गई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में योगी के पैतृक गांव पंचूर में जश्न मनाया गया, शपथ ग्रहण पूरा होते ही आतिशबाजी, परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमी महिलाएं। यूपी के डिप्टी सीएम बनने के बाद ब्रजेश पाठक के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह, घर के बाहर जमकर आतिशबाजी की। केशव मौर्य को दूसरी बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलने पर जबरदस्त जश्न, खुशी से झूम उठे घरवाले समर्थक। कानपुर में भी जमकर आतिशबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर मिठाइयां बांटी। योगी मंत्रिमंडल में आगरा के 2 विधायकों को मौका मिला, बेबी रानी मौर्य और योगेंद्र उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी। योगी के शपथ ग्रहण में नजर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झुककर किया पीएम मोदी का अभिवादन, एनडीए का हिस्सा है जेटली। लखनऊ में शपथ ग्रहण से पहले कान्हा स्टेडियम के बाहर नाचते गाते दिखाई पड़े कलाकार, आने वाले मेहमानों का कर रहे स्वागत। सड़क पर लाल कपड़ों में दिखाई पड़े कलाकारों का झुंड नाचते गाते कान्हा स्टेडियम के बाहर नजर आए थे। राजस्थान के सीकर में मना यूपी में योगी सरकार के शपथ का जश्न, मंदिर के पुजारी ने शंखनाद किया। योगी सरकार के शपथ को लेकर अखिलेश का हमला, ट्वीट किया समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में ली शपथ। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हिंदू युवावाहिनी की टीम, सदस्यों ने झुककर झूमकर गाकर नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया। यह जो जीत है जन मन की जीत है, जन आकांक्षाओं की जीत है, गांव गरीब दलित वंचितों की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। वीरभूमि हिंसा को लेकर ममता सरकार को कानूनी झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। वीरभूमि हिंसा पर बोलते हुए राज्यसभा में रो पड़ी बीजेपी सांसद रूपा गांगुली, कहा वहां हत्याएं हो रही, बंगाल अब रहने के लायक नहीं रहा। रूपा गांगुली के वीरभूम कांड को उठाने के बाद राज्यसभा में हंगामा, कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी सदन की कार्यवाही। पश्चिम बंगाल सरकार प्रोटेक्ट करे, खुले आम हर दिन लोग इलीगल बंदूक लेकर घूमे, ऐसा शाम को दिन दहाड़े कहीं पे भी जाओ वहाँ इसी तरह से गोली बंदूक दिन दहाड़े सुनने को पड़ता है।
वीरभूमि को लेकर लगातार सियासत जारी है। कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। वीरभूमि में हिंसा वाली जगह से कुछ दूरी पर मिला देसी बम, बाल्टी में रेत के बीच में रखे गए थे विस्फोटक। पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, सिर्फ एक बार के कार्यकाल का ही मिलेगा पैसा। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, किसानों की मांग को लेकर सरकार को घेरा। कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, फिल्म को टैक्स फ्री करने पर धन्यवाद किया। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने सरकारी आवास से गेट से हटाई नेम प्लेट, इसी साल खत्म हो रहा है विधान परिषद से कार्यकाल। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्बोई की हुई मुलाकात, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मिले दोनों मुख्यमंत्री। लोगों के साथ डांस करते दिखाई पड़े कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंदिर के मेले में आयोजित कार्यक्रम में जमकर थिरके। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने प्रदर्शन का ऐलान किया, श्रीलंकाई नेवी से 16 मछुआरों को रिहा करने की मांग। दुबई के लिए रवाना हुआ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, एयरपोर्ट पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा। छत्तीसगढ़ में कई कॉरपोरेटिव बैंकों के ब्रांच का उद्घाटन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। पेट्रोल डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक के हुबली में लव जिहाद के नए मामले सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। चीन के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, एलएसी के साथ यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा की, कहा सीमा से सेना की वापसी को अमल में लाना बड़ी चुनौती है। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आईपीएस आरपीएफ और डीएनआईपीएस में नौकरी के आवेदन की अनुमति मिली। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का विरोध प्रदर्शन, किसानों की मांगों को लेकर सरकार खिलाफ हल्ला बोल। अंबाला में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। योगी सरकार के शपथ के बाद वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांटी मिठाई, आतिशबाजी करके मनाई खुशी। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बोले शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में होगा अगला चुनाव। आप यही मान के चलिए शिवराज जी के नेतृत्व में यह अगला चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर के मेंढर में 1 किलो नशीली दवाएं बरामद, 1,00,000 रुपए नकद के साथ 4 आरोपी भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की शानदार पहल, सेवा सुरक्षा बंधुत्व के उद्देश्य से स्थानीय लोगों की मदद की गई। टीबी मुक्त भारत के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाया गया अभियान, रंगोली बनाकर दिया गया संदेश। श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन के पास मिला 2 लड़कियों का शव, चेन्नई से ट्रेनिंग लेकर लौट रही थी घर। मधेपुरा में सामने आया पंचायत का खौफनाक चेहरा, महिला पर बदचलन होने का आरोप लगाकर बड़ी बेरहमी से पिटाई की। गोपालगंज में गाना बजाने को लेकर 2 गुटों मारपिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी गांव वालों ने हमला कर दिया। भरतपुर में बीएसएनएल कार्यालय में भीषण आग, दूसरी मंजिल पर जलकर खाक हुए सारे तकनीकी उपकरण। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। मथुरा में बंद पड़े मकान से 2 लोगों के जले हुए शव मिलने से अड़कम, हत्या के बाद लाशों को जलाने का शक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। पटना में इन्फोटेक कंपनी के सीईओ गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में दबोचा। सीकर में बलात्कार और हत्या के विरोध प्रदर्शन, गुनहगार को फांसी की सजा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। विदिशा में नाले में गिरी मसूर से भरी ट्रॉली, कृषि मंडी में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से हादसा। लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 115 रनों से हराया, सीरीज में भी जीत। 351 रन के लक्ष्य का पीछा करते उतरते हुए दूसरी पारी 235 पर ढेर, पाकिस्तान ने 54 रन पर ही गिरा दिया अपने आखिरी 8 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे स्पिनर लॉयन, दूसरी पारी में 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, पहली पारी में कमिंस से छटके थे 5 विकेट।
सेंट जॉर्ज टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड महज 204 रनों पर ढेर। जेडन सील्स ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट। कल वेस्टइंडीज जीता था टॉस। उत्तर भारत में लोगों को बेहाल कर रही है गर्मी। कानपुर में 40 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। 233 अंकों की गिरावट के साथ 57,362 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 69 पॉइंट्स गंवाकर 17,153 पर बंद। जनवरी में ईपीएफओ के साथ जुड़े 15 लाख से ज्यादा नए नौकरी पेशा। दिसंबर के मुकाबले 20% ज्यादा लोगों को मिली संगठित क्षेत्र में नौकरी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली में 17% से ज्यादा इजाफे के साथ तीसरे नंबर पर पहुंचा। सिक्किम और गोवा पहले दो नंबर पर। नोएडा के रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक ग्रुप को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित किया। 25,000 घर खरीदारों के आशियाने पर तलवार लटकी। पेट्रोल की कीमतों में शुक्रवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। डीजल की कीमतों में भी 75 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। 5 दिनों में 4 बार बढ़ोतरी के बाद करीब 3 रुपए कुछ पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी को देखते हुए आने वाले दिनों में भी दाम बढ़ने की आशंका। पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ाए जाने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 19,000 करोड़ का नुकसान। मूडीज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान ग्राहकों ने किया सीएनजी कारों का रोक। ज्यादा डिमांड के चलते 3 महीने तक वेटिंग की। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए दिल्ली में ईशान मंथन की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया। 27 मार्च तक समारोह चलेगा। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन से लगी सीमा पर हालात का जायजा लेंगे। पोलैंड में नाटो के सैनिकों के साथ नजर आए जो बाइडेन। जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। रूस यूक्रेन की जंग का आज 30वां दिन। खार्किव में रूसी हमलों से भारी नुकसान। तबाही की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। कीव में रूस के हमले ने छीना हजारों लोगों का आशियाना। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों में छिपे लोग। यूक्रेन के मारियोपोल में जंग से हालात बेहद खराब। शहर में हर तरफ दिखाई पड़ रहे तबाही के निशान। यूक्रेन के मारियोपोल में गहराया खाने पीने का संकट। खाना लाने के लिए दिखाई पड़ी लोगों की लंबी लंबी कतार। जंग के 1 महीना पूरे होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा, हमने रूसी हमले को दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन ने किया रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। जारी किया हथियार और टैंकों को तबाह करने का वीडियो। नेटो और ईयू के नेताओं के साथ बैठक के बाद आज पोलैंड के दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस को कड़ा संदेश देने की कोशिश। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने किया रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान। वॉशिंगटन में दर्जनों रूसी रक्षा कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जारी है दुनिया भर में प्रदर्शन। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में पुतिन के खिलाफ लोगों ने निकाला विरोध मार्च। जंग के बीच यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन। छोटे बच्चों जानवरों के साथ पोलैंड की सीमा में प्रवेश कर रही महिलाएं। सुरक्षा के क्षेत्र में ग्रीस और फ्रांस के बीच करीब $4 बिलियन का बड़ा करार। टर्की के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा ग्रीस। फ्रांस में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। राजधानी पेरिस में पोस्टर बैनर को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जमैका दौरे के आखिरी दिन प्रिंस विलियम और केट मिडलटन कैरिबियन मिलिट्री अकादमी में कमीशन परेड में शामिल हुए। सेना के यूनिफॉर्म में ओपन जीप में सलामी।